लेकिन अब बोर्ड परीक्षाओं की बात कर लेते हैं। कोरोना काल में छात्रों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसके बाद बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आज शिक्षा मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी, आप सभी को बता दें, देश में कोरोना वायरस के कारण की वजह से जनवरी के पूरे महीने स्कूल कॉलेज बंद रहे, जिससे दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बाधित हुई। उसी को ध्यान में रखते हुए कल शिक्षा मंत्री ने एक बहुत ही बड़ी मीटिंग आयोजित की, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं को लेकर काफी अहम निर्णय लिए। जो इस बार भाई बंधु 2022 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन तमाम छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दें, हर साल ऐसा होता है कि जनवरी और फरवरी के अंदर आपकी परीक्षाएं हैं वो संपन्न करा ली जाती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते जनवरी माह के अंदर स्कूल कॉलेज बंद रहे, जिससे पढ़ाई तो बंद हुई हुई है, साथ ही सिलेबस भी छात्रों का कंप्लीट नहीं हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कल शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार भी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो टाली जा सकती है और आगे उनकी डेट बढ़ाई जा सकती है। और इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो आपकी भी परीक्षा इस बार भी पोस्टपोन हो सकती है, ये भी इस वक्त की खबर निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि छात्रों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम परीक्षाएं आयोजित कराने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अब कोरोना की स्थिति आगे क्या रहती है उस पर निर्भर करेगा। फिलहाल यही अपडेट है, इस पर आप सभी लगा क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।